अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, क्योंकि इसको दबाने से मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सारे मेरे प्यारे बहन भाई और मेरे प्यारे बुज़ुर्ग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार व्लॉग लेके आप सबके लिए हाजिर हूँ। और ये टाइम है आफ्टरनून का और आज है थंडरस्टॉर्म। फुल डे बहुत गर्मी रहनी है लेकिन साथ थंडरस्टॉर्म भी है और उसके लिए स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा पहले बादल आए हैं, काले स्याह बादल आए थे पहले, और अब यह है कि रेन स्टार्ट हो गई है। और मैं आगे आपको सारा व्यू दिखाऊँगी कि कितनी तेज़ बारिश हुई है, जो कि अंदर भी आ रही थी कि मैं डोर खोल रही थी तो अंदर भी बारिश आ रही थी। और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई हूँ वीडियो बनाने के लिए कि थोड़े से सीन कैप्चर कर लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा विंड है थी जिसकी वजह से बारिश का पानी बिल्कुल मुंह पे पड़ रहा था। और आपने देखा कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म था, बहुत हैवी थंडरस्टॉर्म था। और बस आज का प्रोग्राम आ रहा था, ओकविल सिटी में सर्कस हो रही थी 4-5 डेज़ के लिए। सर्कस के लिए यहाँ पे सेटअप हुआ हुआ था तो हमने सोचा था कि हम ज़रूर जाएंगे देखने के लिए। तो आज इस सर्कस का इस सिटी में लास्ट डे था और इसके बाद उन्होंने यहाँ से सर्कस को मूव करके किसी और सिटी ले जाना था, जो कि हमें बहुत दूर पड़ना था। तो हम ये ओकविल भी हमें काफ़ी दूर पड़ा है, लेकिन फिर भी हमारा था कि हम इसकी ये हमारी पहुँच में आए तो हम इसको देख सकते हैं जाके। लेकिन मौसम की वजह से कभी हमारा प्रोग्राम बन रहा था और कभी हमारा प्रोग्राम नहीं बन रहा था। और हम ये भी सोच रहे थे कि पता नहीं सर्कस उन्होंने आज का शो उन्होंने रखना भी है कि नहीं रखना। तो अब हम आए हैं और देखते हैं कि शो है आज का कि नहीं। काफ़ी लॉन्ग ड्राइव के बाद हम लोग पहुँच गए हैं एटलीस्ट जहाँ पे हमने आना था। और यहाँ पे तो आके तो लग रहा ही लगा है पता कि सारा शो कंप्लीट प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा है। और हम लग गए हैं आप लाइन में, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। अभी लेने गए हैं टिकटें और ये हमारी टिकट्स और हम लोगों ने लाइन में लगे हैं। लाइन के मुताबिक सब अंदर जाएंगे और अभी शो शुरू नहीं हुआ, हाफ आवर रहता है शो शुरू होने में और हम टिकटें लेके खड़े हैं। और हम आ गए हैं अंदर और जो सीटें हमें मिली हैं अच्छे तरीके से, मतलब कि जहाँ से सही व्यू नज़र आ रहा है हम वहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि मैंने आज से पहले कभी सर्कस नहीं देखी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज सर्कस के लिए देखने के लिए। और बच्चों को भी तहराशा ने एक दो दफ़ा पापा के साथ जाके देखी हुई हैं और मैंने नहीं देखी थी, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हमने बड़ी अच्छी जगह पर बैठे हैं आराम से। गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई बारिश की वजह से।
तो सर्कस स्टार्ट होने वाली है जनाब, और आप सब भी मेरे साथ करेंगे इंजॉय, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड और मेरे सारे सब्सक्राइबर भी मेरे साथ एक्साइटेड ही होंगे। तो शुरू करते हैं सर्कस देखना। और सर्कस शुरू होने में 10 मिनट रह गए हैं, और ये डिफरेंट टाइप की फूड सेल हो रही थी अंदर, क्योंकि बाहर से कुछ भी लाना अलाउ नहीं था, गोले थे और इसके अलावा पॉपकॉर्न और लेमोनेड सब कुछ बिक रहा था।
जी, कैसा लग रहा है आपको सर्कस देखना? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और आई होप कि आप भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे और बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने सारे क्लिप आपके लिए ऐड की हैं और आपने एंजॉय करना है और मुझे तभी खुशी होगी। तो बहुत मज़ा आया है, आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा। अब हम आ गए हैं, सर्कस ख़त्म हो गई थी, 2.5 आवर की सर्कस का टाइम था, उसमें हाफ आवर की ब्रेक थी, 2 आवर मुसलसल सर्कस होती रही। रियली इंजॉय, बहुत मज़ा किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और जो हमने एक फैस सोचा था कि हम नहीं जाते, तो वो बाद में हम सोचे थे कि हमने अच्छा ही किया कि हम चले गए। और ये रास्ते में हम रुके हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, असर की नमाज़ का टाइम था तो हम रुके हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मस्जिद का न्यू मस्जिद बन रही है, उसका उसका ये स्ट्रक्चर शुरू हो गया है, खड़ा हो गया है, उसकी बिल्डिंग इस तरह बननी है। और माशाल्लाह से काफ़ी लैंड है पीछे इसकी, एक ब्रांच जो इस मस्जिद की ब्रांचेस डिफरेंट जगह पे हैं, और ये वाली न्यू बन रही है, और इसकी ओल्ड वाली जो है ये है, इतनी छोटी सी थी और माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बन रही है। और मस्जिद का तो ऐसा है कि आप जहाँ पे नई मस्जिद बन रही होती है तो इतनी खुशी होती है, क्योंकि फंड्स देने के लिए यहाँ पे डोनेशन के लिए मस्जिद को माशाल्लाह से आराम से लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। और ये मस्जिदें बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सारी ही पब्लिक की मेहनत होती है ज़्यादातर इसके अंदर, तो जो भी फंड्स इकट्ठे होते हैं उसी से मस्जिद इकट्ठी होती है। तो इसीलिए बहुत खुशी होती है कि एज़ आ मुस्लिम हम लोग इस चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपने मज़हब को भी साथ साथ लेकर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद यहाँ पर अच्छी है काफ़ी। और कनाडा में मस्जिद बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह माशाल्लाह से, आप किसी भी एरिया में चले जाएं तो आप नमाज़ आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी है कि आराम से मस्जिद में औरतें और आदमी का डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बने होते हैं, और आप आराम से नमाज़ पढ़ लो, औरतें भी पढ़ लेती हैं और आदमी भी पढ़ लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह के नमाज़ के लिए कोई मसला नहीं होता पढ़ने में। और अब हम आ गए हैं चाइनीज़, और बच्चों से पूछा तो उन्होंने चाइनीज़ खाने को कहा है कि हम चाइनीज़ खाना चाहते हैं, तो इसीलिए इधर आए हैं आज। और चाइनीज़ डिशेज़ भी मेरे बच्चों की फेवरेट डिशेज़ में से हैं, तो आज भी चाइनीज़ पे बहुत रश था। हमारी काफ़ी देर के बाद हमारी बारी आई, तकरीबन 45 to 50 मिनट हमने वेट किया, देन हमें टेबल मिली है।
बस अब हम करेंगे खाने को इंजॉय और इसके बाद करेंगे बिल पे और उसके बाद जाएंगे घर इंशाल्लाह ताला। आज का व्लॉग भी मैंने बहुत मेहनत से बनाया, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।